नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वायनाड का दौरा किया। वहां उन्होंने आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। इसके बाद पीएम मोदी ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान की तस्वीरें सामने आई है जो दिल को छू देने वाली है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि पीएम मोदी वायनाड के लोगों की दुखद स्थिति से व्यथित है। वो उनकी चिंता कर रहे हैं, उनके दुख को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज ये तस्वीरें इंटरनेट पर छाई हुई हैं और लोग एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री में अपने घर के मुखिया को देख रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वायनाड का दौरा किया, जहां उन्होंने आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान की तस्वीरें सामने आई हैं जो दिल को छूने वाली हैं। तस्वीरों में पीएम मोदी के चेहरे पर लेश मात्र भी मुस्कान नहीं है। उनकी आंखें व्यथित हैं और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। वो घायलों के पास बैठे हैं, उनके हाथ पकड़े और उनकी बात सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि पीएम मोदी वायनाड के लोगों की दुखद स्थिति से व्यथित हैं। वो उनकी चिंता कर रहे हैं, उनके दुख को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक तस्वीर में पीएम मोदी अस्पताल में घायल बच्चे से मिल रहे हैं, जिसके चेहरे पर दर्द का निशान साफ साफ दिखाई दे रहा है। पीएम मोदी के चेहरे पर भी दर्द के भाव हैं। वो बच्चे को सांत्वना देते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहत शिविर में लोगों से बातचीत की। उन्होंने लैंडस्लाइडिंग के पीड़ितों और बचे लोगों से घटना के बारे में पूछा। इस दौरान पीएम किसी को हाथ पकड़कर सांत्वना देते नजर आए, किसी को कंधे थपथपाकर ढांढस बंधाया। इस दौरान उन्होंने एक बच्ची से भी बात की। घायलों से पीएम मोदी की मुलाकात की इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर भावुक प्रतिक्रिया बटोरी है। यूजर्स पीएम मोदी की संवेदनशीलता और करुणा की प्रशंसा कर रहे हैं। बता दें कि वायनाड में 30 जुलाई को अत्यधिक भारी बारिश के कारण मुंडक्की, चुराल माला, वेल्लारी माला गांव में एक बड़ा भूस्खलन हुआ। इस त्रासदी के बाद मोदी सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एनडीआरएफ, सेना, वायुसेना, नौसेना, फायर सेवाएं, सिविल डिफेंस सहित 1200 से अधिक बचाव कर्मियों को तैनात किया। 100 से अधिक एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम तैनात की गई थी। इस त्रासदी में अब तक 416 लोगों के मारे जाने और 150 लोगों के लापता होने की खबर है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री का वहां जाना और लोगों के दुख को समझना कहीं ना कहीं जख्मों पर मरहम जैसा जरूर है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।